डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एट अ कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और बेटा मैंने ब्रैकेट में लिखा है वर्चुअल इमेज, क्योंकि बेटा कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो होता है दैट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, चाहे आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां मर्जी रख लें। ठीक है बेटा, बाकी सारी चीजें जो हैं जैसे कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू होगा, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन होगा, और जो कनकेव वाला फेस है, क्योंकि कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये, तो जो कनकेव वाला फेस होगा दैट विल बी टुवार्ड्स द रेयरर मीडियम। बेटा ये चीज ध्यान देनी है। और ऑब्जेक्ट जो होगा दैट विल बी इन डेंसर मीडियम, क्योंकि हम जो रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं दैट इज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। अब इसको स्टार्ट करते हैं बेटा, देखो कैसे इसका कोर्स ऑफ रे है। तो बेटा देखो, हमारे पास जो कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है दैट इज एक्स पी वाई, और इससे राइट साइड में जो है दैट इज रेयरर मीडियम, और जो लेफ्ट साइड में ये जो है दैट इज डेंसर मीडियम। बेटा क्योंकि ये एक ही इमेज बनाता है वर्चुअल इमेज, तो इसलिए आप प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां मर्जी रखें ऑब्जेक्ट को, बट ये ध्यान रखना है कि दैट विल बी प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम। सो ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है बेटा, ये डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, एंड दिस वन इज रेयरर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन। अब अगर हम यहां से देखें, जो फर्स्ट रे है वो ओ पॉइंट से एमिट होगी और पी से होते हुए स्ट्रेट वे निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, और जो सेकंड रे है वो हमने देखा कि दैट इज एमिटेड फ्रॉम ओ और इस सरफेस पे एक पॉइंट ए पे जाके हिट करती है। सो दिस पॉइंट इज ए। क्लियर? अब हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो फर्स्ट रे तो यहां से यहां चली गई, सेकंड रे ओ से ए के अलोंग चली गई। अब हमने देखना है कि ये जो रे है जो डेंसर मीडियम से ट्रेवल करते हुए रेयर की तरफ जा रही है कैसे बेंड करेगी। अगर मैं ये मान लूं कि यहां पे मीडियम में चेंज नहीं है तो ये रे स्ट्रेट वे निकल जाती, ठीक, बट रियलिटी में क्या है, देयर इज चेंज इन मीडियम, सो इसलिए ये रे इधर तो नहीं जाएगी, ये तो कंफर्म्ड है। अब ये डेंसर मीडियम है और ये क्या है, रेयरर मीडियम, तो डेंसर से रेयर जब भी रे जाती है दैट ऑलवेज बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो सबसे पहले हमें ए पॉइंट पे नॉर्मल प्लॉट करना है। तो देखो नॉर्मल कैसे प्लॉट कर देंगे, तो बेटा सी ए जो है दैट इज नॉर्मल टू द पॉइंट ए। अब हमें बेंडिंग शो करनी है, रिफ्रैक्शन देखनी है कैसे होगी थ्रू दिस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो बेटा ओ से ए पे रे गई, अब ए पॉइंट से वो बेंड होगी, और क्योंकि रे डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ आ रही है तो इट विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो बेटा जी नॉर्मल ये रहा इस मीडियम में, मुझे इससे दूर लेके जानी है। अगर आप ध्यान से देखें ये रे यूजुअली ऐसे जाती, स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाती है अगर मीडियम में चेंज ना होता। यहां से ऐसे बेंड करना मींस टुवार्ड्स द नॉर्मल, और यहां से दूर ले जाना मींस अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इट इज बेंडिंग लाइक दिस। ये हुआ बेटा ये पॉइंट, आप ए दिखा सकते हैं यहां पे थोड़ा सा छोटा करके, ये बी है क्योंकि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन भी प्लॉट करने हैं। अब ये जो रे है ऐसे जा रही है अलोंग ए बी, ये रे ऐसे जा रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहीं मिल तो नहीं रे, हमें क्या चाहिए इमेज बनाने के लिए, आफ्टर रिफ्रैक्शन दो रेज जो है मिलनी चाहिए किसी पॉइंट पे। तो देखो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पीछे इसको रीट्रेस करना पड़ेगा। तो रीट्रेस करते हुए जो ये मेरे पास आया दैट इज आई, सो दिस इज इमेज पॉइंट। क्या है ये बेटा, इमेज पॉइंट, इसको थोड़ा सा आपने स्ट्रेट लाइन रखना है, आई ए बी जो है दैट इज द स्ट्रेट लाइन। अब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शंस प्लॉट करने हैं और अल्फा बीटा गामा प्लॉट करने हैं, तो
ये इंसिडेंट रे है एंड दिस वन इज नॉर्मल, सो दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्रैक्टेड रे है एंड ये नॉर्मल है, तो दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट के लिए अल्फा, इमेज के लिए बीटा, और सी पॉइंट के लिए दैट इज गामा। अब ए पॉइंट से हमने क्या करना है बेटा, परपेंडिकुलर प्लॉट करना है टू ओ पी या टू ओ सी, क्लियर। तो इस पॉइंट को पी पॉइंट तो ये है बेसिकली, और ये पॉइंट जो होगा दैट इज ए एम। ए एम इज परपेंडिकुलर टू ओ पी और ओ सी, जो मर्जी बोले बेटा। ठीक है, अगर ओ पी बोलेंगे तो ओ पी को एक्सटेंड किया गया, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। सो ए एम इज परपेंडिकुलर टू ओ सी। ठीक, अब हमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी है, जिसमें हमें देखना है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। सो उसके लिए अगर हम देखें, सबसे पहले ट्राइंगल जो है हमारे पास दैट इज ओ ए सी। सो इन ट्राइंगल ओ ए सी क्या है बेटा जी, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, दिस वन इज नंबर वन। अब अगर मैं दूसरी ट्राइंगल लूँ दैट इज आई ए सी, तो उसमें आर जो है दैट इज एक्सटीरियर एंगल। सो इन ट्राइंगल आई ए सी आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, सो दिस इज नंबर टू। अब अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, तो स्नेल्स लॉ लगाएं अगर ए पॉइंट पे, तो क्या होगा बेटा, साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आई इस मीडियम का एंगल है, तो इसके अपोजिट मीडियम का क्या लेना है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो दैट इज म्यू वन डिवाइडेड बाई साइन आर है इधर, तो साइन आर है तो इसके अपोजिट मीडियम ये रहा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू। अब जैसा कि हमारी अजम्पशन है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन या अल्फा बीटा गामा ये सभी स्मॉल एंगल्स हैं, तो उस सिचुएशन में साइन आई इज इक्वल टू आई हो जाएगा और साइन आर इज इक्वल टू सिंपली आर हो जाएगा। सो आई बाई आर इज इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें हम, सो म्यू टू आई इज इक्वल टू म्यू वन आर। इसमें हमें वन और टू को यूज करना है, सो बाई यूजिंग वन एंड टू इन थ्री क्या हो जाएगा, म्यू टू आई की जगह क्या है बेटा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू वन, आर की जगह है बीटा प्लस गामा। ठीक है बेटा जी, ये चीज ध्यान देनी है। अब हमें अल्फा बीटा गामा के लिए वैल्यूज डालनी है, तो अल्फा क्या बनेगा, अल्फा की मतलब टेंजेंट अल्फा, गामा मतलब टेंजेंट गामा, इन द सेम वे बीटा मतलब टेंजेंट बीटा, क्योंकि एंगल्स जो है स्मॉल हैं। तो सो म्यू टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा, अल्फा इज दिस, सो ए एम बाई एम ओ प्लस गामा, गामा ए एम बाई एम सी इज इक्वल टू म्यू वन बीटा, बीटा जो है दैट इज ए एम बाई एम आई प्लस गामा, गामा की वैल्यू क्या होगी फिर दोबारा, ए एम बाई एम सी। अब जरा ध्यान से देखें बेटा, लेफ्ट साइड में भी ए एम है, यहां भी ए एम है, दोनों साइड से हम क्या करेंगे, ए एम को कॉमन लेंगे और कैंसिल कर देंगे। और दूसरा जो बात ध्यान देनी है, क्योंकि एम पॉइंट जो है दैट इज वेरी क्लोज टू पी, तो हम एम को रिप्लेस करेंगे पी से, तो देखते हैं बेटा क्या मिलता है हमें। सो व्हाट वी गेट दैट इज म्यू टू इंटू वन बाई पी ओ प्लस वन बाई पी सी इज इक्वल टू म्यू वन इंटू वन बाई पी आई प्लस वन बाई पी सी। अब यहां भी पी सी और यहां भी पी सी है, आप क्या करें मल्टीप्लाई करें और फिर पी सी और पी सी वाली टर्म्स को एक साइड ले आए, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाए, सो क्या हो जाएगा, म्यू टू बाई पी ओ प्लस म्यू टू बाई पी सी इज इक्वल टू म्यू वन बाई पी आई प्लस म्यू वन बाई पी सी। ये भी पी सी है, इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले आओ, तो क्या मिल जाएगा, सो म्यू टू बाई पी ओ माइनस म्यू वन बाई पी आई इज इक्वल टू म्यू वन बाई पी सी माइनस म्यू टू बाई पी सी। अब बेटा हमें क्या करना है, पी ओ पी आई और पी सी की वैल्यूज लिखनी है विद साइन कन्वेंशन।
सो पी ओ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पी से, सो वो क्या होता है दैट इज यू, और क्योंकि ओ पॉइंट लेफ्ट में है तो दैट विल बी रिटन एज माइनस यू. सो म्यू टू बाई माइनस यू माइनस म्यू वन बाई पी आई इमेज डिस्टेंस पी से आई, सो दैट इज अगेन लेफ्ट साइड में है तो माइनस भी लिखा जाएगा. लो जी म्यू वन बाई पी सी, पी से सी पॉइंट राइट साइड में है, ठीक है. सो पी सी क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर और वो पॉजिटिव ली जाएगी, दैट इज दिस माइनस इसी तरह से फिर यहां पे दिस. क्लियर है बेटा. अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ये सिंपली माइनस म्यू टू बाई यू प्लस म्यू वन बाई वी इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर. सो दिस इज आर फाइनल रिजल्ट विच वी गेट वेन एवर वी स्टडी रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एट अ कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ठीक है बेटा, यहां मैंने वर्चुअल इमेज लिखा है, मैं दोबारा बता रहा हूं आप इस चीज से कंफ्यूज ना हो जाएं. ये सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनाता है, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं कि आप ऑब्जेक्ट को जहां मर्जी रखें ताकि जो रे डायग्राम है या कोर्स ऑफ रे है वो आसानी से समझाया जा सके. ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान देनी है, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि दैट इट इज़ अ केस ऑफ वर्चुअल इमेज स्पेशली, कि रियल इमेज का केस भी होता होगा, ऐसा नहीं है. ठीक है बेटा, तो इसमें सिर्फ वर्चुअल इमेज का ही केस होता है, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे. तो ये बेटा फाइनल रिजल्ट आ गया हमारा, आपने इसे ध्यान से पढ़ना है बेटा. आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड. टेक केयर बेटा, पढ़ते रहें.